यमुना नदी जिसका बहाव हरियाणा की ओर से आता है उसके अंदर प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया था, अमोनिया का स्तर बढ़ गया था, जिसके चलते हमें अपने दो बहुत बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और एक सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, इन दोनों प्लांट को बंद करना पड़ा था। हमने लगातार हरियाणा सरकार से दरख्वास्त भी करी कि आप जिस यमुना नदी का बहाव दिल्ली की ओर भेज रहे हैं उसके अंदर अमोनिया का स्तर कम करिए, उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी मात्रा कम करिए, क्योंकि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इतनी वायु प्रदूषण के, इतने जल प्रदूषण के की कैपेसिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। और हम जहरीला पानी दिल्ली वालों को नहीं दे सकते हैं। इसी के चलते दो महत्वपूर्ण प्लांट्स को हमें बंद करना पड़ा। आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि अब अमोनिया का स्तर घट रहा है और हमारे जो दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद किए गए थे वो दोनों प्लांट्स शुरू कर दिए गए हैं। भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 60-70% की कैपेसिटी पे चल रहा है और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी, ये रॉ वाटर आने वाला आउटलेट है, यहाँ से पानी आ रहा है, इस आउटलेट पर अब 70-75% एक्टिविटी रिज्यूम हो गई है। यानी कि अब हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 70-75% पे काम कर रहा है। लगभग 70% इलाके दिल्ली भर के जहाँ पर पानी की कमी कल महसूस हुई थी, मुख्य तौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली, इन तीनों इलाकों में अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। 70% राहत मिल चुकी है और शाम आते आते सूरज ढलते ढलते ये राहत 100% हो जाएगी और पानी की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक शहर है, हमें अपने पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है, जिसकी दो मुख्य नदियां हैं, यमुना का पानी जो हरियाणा से आता है और गंगा का पानी जो यूपी से आता है। यमुना के पानी में अमोनिया आ गया इसलिए दिक्कत आई, और गंगा का पानी जो सारे साल आता है वो अक्टूबर के महीने में थोड़े समय के लिए मरम्मत के लिए रोक दिया जाता है गंगा कैनाल के लिए, तो गंगा का पानी भी कम हो गया, यमुना का पानी भी कम हो गया और एकदम से ये क्राइसिस उत्पन्न हो गया। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार लगातार बोर फुटिंग पे काम कर रहा है और 70% राहत मिल चुकी है, थोड़ी सी राहत और बची है वो भी शाम आते आते मिल जाएगी और हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसा कि आप देख सकते हैं फुल कैपेसिटी पे काम करने जा रहे हैं। दिल्ली के कौन कौन से इलाके प्रभावित थे और कब से प्रभावित थे? देखिए बीते 36-48 घंटे इसका प्रभाव रहा और मुख्य तौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में इसका असर देखा गया। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि जिन इलाकों में पिछले 1-1.5 दिन से पानी नहीं आया था आज सुबह पानी आया है, जिनमें नहीं आया वहाँ शाम तक आ जाएगा, और जिनको लग रहा है कि जिनके घर में रोजाना 1 घंटा पानी आता था आज सिर्फ 0.5 घंटा आया या 40 मिनट आया, उसकी भी जलापूर्ति दिल्ली जल बोर्ड करेगा। हम लगातार हरियाणा और यूपी सरकार से बात कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमोनिया का स्तर अपने पानी में घटाइए और हमें कोऑपरेशन मिलती रही है, बहुत जल्द स्थिति सामान्य होने जा रही है।